हेलो दोस्तों और मेरे आज के नए यूके किसान भाइयों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस कैसे स्टार्ट की जाती है। जिनको एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है और उनको ये नहीं पता कि मदर ऑफ ऑल बिजनेस क्या होती है, तो मदर ऑफ ऑल बिजनेस है आज के इस युग में फार्मिंग। तो अगर फार्मिंग से जुड़ के अगर आप बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मिंग के सेक्टर में आज के इस प्रेजेंट टाइम पे उगाने वालों की कमी हो गई है। खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट उगाने वाले लोग ज़्यादा नहीं है। तो इस जो अपॉर्चुनिटी गैप है, इसको कैसे फुलफिल करना है। अगर आप फार्मिंग सही तरीके से करना जानते हो, तो इस फार्मिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस फार्मिंग को यूज़ करना है, और इसको यूज़ करते हुए आपको फार्मिंग के सेक्टर में अपना डंका बजाना है। अब मैं फार्मिंग सेक्टर ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस फार्मिंग सेक्टर में अगर आप फार्मर हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए अपना इनकम बढ़ाने के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए अपने जॉब सेटिस्फैक्शन और एक स्टेबल इनकम के लिए। आप रिटायर्ड पर्सन हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए सो दैट आप यूटिलाइज कर सके अपना फ्री टाइम को एज एडवाइजर, ट्रेनर और कंसल्टेंट। अगर आप किचन गार्डनर हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए सो दैट आप टेस्ट और अप्लाई कर सके अपने किचन गार्डन के हुनर को और स्किल्स को, और वो भी बड़े स्केल में। उसी तरीके से अगर आप एग्रो डीलर हो, तो आपको अपने फार्म के इनपुट्स जैसे बीज हो गए, तो उसको सेल करने के लिए आपको प्रोफेशनल लेवल के फार्मिंग का नॉलेज चाहिए, ताकि आप मार्केट में बहुत जल्दी से मोनोपोली बना सके और उसके साथ साथ आपका सेल्स बढ़ जाए और उसमें मार्जिन भी अच्छा खासा रहे। अगर आप एग्री कंसल्टेंट हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके और उसके चलते आपका फार्मिंग एरिया बढ़ जाए। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या पार्ट टाइमर हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए होगी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक साइड इनकम के लिए, या फिर एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। वैसे ही अगर आप फार्म हाउस ओनर हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए होगी सो दैट आप अपने फार्म हाउस को डेवलप कर सके विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग सेटअप के साथ। उसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटेलर हैं, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए होगी सो दैट आप डायरेक्टली सोर्स कर सके फार्मर से, और उसी के चलते आपका कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स आपको टाइमली मिल सके। उसी तरीके से अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए होगी सो दैट आप क्विकली ब्रांड को क्रिएट कर सके और मार्केट में एक बड़ी सी मोनोपोली अपने ब्रांड की बना सके। अगर आप रियल एस्टेट के इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग चाहिए होगी एक स्टेबल और रिलायबल इनकम पाने के लिए। फार्मिंग के सेक्टर में इतना बड़ा बूम, इतनी बड़ी डिमांड अचानक से नहीं हुआ है। अब अगर आप हमारे इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे 5 से 10 साल के बीच में, तो वो एक यंगर पॉपुलेशन थी, पर अब ये यंगर पॉपुलेशन अगले 5 से 10 साल के बाद वो एजेड होने जा रही है। तो ऑब्वियसली हर कोई अपना हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी को लेके सीरियस है, और इनफैक्ट ये कोरोना एपिडेमिक आने के बाद तो लोग ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो इसका मतलब पुराने ज़माने की तरह आपको ऑर्गेनिक या फिर नेचुरली ग्रोन सब्जियां, फ्रूट, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स को लेके लोगों में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका मार्केट वहीं पर बना बनाया तैयार है। तो इसी वजह से सारे इंडस्ट्रियों को अगर एक साथ मिला भी दिया जाए, तो फार्मिंग एज अ इंडस्ट्री या फिर एज अ सेक्टर, ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेके अब सामने आई है। और इंडस्ट्री के इस जबरदस्त बूम को देखते हुए बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इस फार्मिंग सेक्टर के साथ एक प्रोफेशनल फार्मर होके जुड़ना चाहते हैं, बट उनको तरीका पता नहीं। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने में अगर आपका जीरो बैकग्राउंड है फार्मिंग का, आपने कभी फार्मिंग की भी नहीं, या फिर कोई दूर दूर तक कोई फार्मर कोई आपके नॉलेज में है भी नहीं, तो भी आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, उसको देखते हुए आप कभी भी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो।
थैंक्स टू द इंटरनेट आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे आ गए हैं, टेलीग्राम में आ गए हैं, उसके बाद आपका व्हाट्सएप में आ गए हैं, फेसबुक में आ गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे फार्मिंग ग्रुप्स बने हुए जहाँ पे आपको मतलब फार्मिंग में कैसे उगाना है उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिल जाती है। कुछ भी उगा लेने की दिक्कत आज के टाइम में इंटरनेट में और नहीं रही, और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज के टाइम में फार्मिंग करना या फिर उसकी जो लेटेस्ट डिस्कवरी या बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो जानना आज के टाइम में बहुत ही आसान हो गया है, तो आपको कुछ भी उगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किधर है? फार्मिंग में एक रिलायबल, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम प्रॉफिट के साथ ना मिल पाना ही ज्यादातर लोगों को इस फार्मिंग के सेक्टर में आने से और उसमें टिके रहने से रोक रही है। उगा तो आप कुछ भी लोगे, बट फार्मिंग के सेक्टर में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने की बात आती है तब यहीं पे सारे लोग आके पस्त हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फार्मिंग के नाम पे लोग कुछ भी उगा ले रहे हैं और उनका कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग से दूर दूर तक कुछ लेना देना है ही नहीं। तो चलिए अब आपको फर्क करना सिखाते हैं अच्छे काम और सही काम के बीच में। अच्छे काम जैसे हो गया प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, गौ माता आधारित फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर और फूड फॉरेस्ट के नाम पे और पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब नाम कुछ भी दे दो, फार्मिंग स्टाइल कोई सा भी चुन लो, पर इससे आपको एक रिलायबल, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम प्रॉफिट के साथ जब तक नहीं मिलता तब तक सब बेकार ही है समझो, क्योंकि समय के साथ ये सारे फार्मिंग स्टाइल आते और जाते रहेंगे एक ट्रेंड की तरह। तो ये थे आपके अच्छे काम। अब सही काम के तरफ बात करते हैं, कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग के तरफ बात करते हैं। जैसे कि कस्टमर क्या खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा और क्यों मेरे से ही खाएगा, मेरे उगाए हुए फार्म प्रोडक्शन का कितनी खपत होगी, कितनी खपत होगी हर महीने, कितनी खपत होगी हर सप्ताह, कितनी खपत होगी हर दिन, कितनी खपत होगी दिन के तीनों पहर। बीइंग एज अ फार्मर कैसे कस्टमर के रेगुलर डाइट यानी उसके थाली का हिस्सा मैं बन सकता हूं, और इसके चलते मेरा बेनिफिट कितने सारे रास्तों से हो रहा है फाइनेंशियली, और यही है सही काम करना, कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग करना। मैं पूरा अश्योर्ड हूँ कि फार्मिंग के सेक्टर से जुड़े हुए जो फार्मिंग के एक्सपर्ट है उनके पास इसका जवाब अभी तक नहीं है। तो कहीं आप फार्मिंग स्टाइल से बंध के भीष्म प्रतिज्ञा तो नहीं कर बैठे, जहाँ पे प्रतिज्ञा तो आपने कर ली बट महाभारत का एक मीनिंगफुल युद्ध आप हार गए। इसका मतलब हर एक को फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बनाना आप पीछे छोड़ गए और सिर्फ फार्मिंग स्टाइल से ही बंध के रह गए। तो इस चीज के अगर भवसागर में आप फंसे हुए हो या फिर आप चाहते हो इससे आगे बढ़ना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहो तो हमसे कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग कैसे करना है उसका हुनर हमसे आप ट्रेनिंग लेके सीख सकते हो। एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इस फार्मिंग से, तो सबसे पहले आपको एक गुड लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक लर्नर ही आने वाले दिनों में एक अच्छा अर्नर बन सकता है। तो फाइनली एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फार्मिंग के तरीके आपको बहुत ज़्यादा नहीं बदलने हैं, आपको मनी मेकिंग मॉडल जो है फार्मिंग के स्टाइल में वो आपको बदलना पड़ेगा। तो इन सारे फार्मिंग स्टाइल से जुड़े हुए मेरे भाइयों और बहनों, अभी इस वीडियो में आपने तो सीखा कि कैसे फार्मिंग को यूज करना है, और सेकेंड पार्ट के वीडियो में आप सीखेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को प्रैक्टिकल एक्शन प्लान के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ऑब्वियसली आपने नॉलेज तो ले लिया बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपके लिए जरूरी है ना, जो कि आपको अगले वीक मिलने वाला है। So, उसके लिए बने रहेगा। तो फार्मिंग स्टार्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गया है, बट एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना और उसमें फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल होते हुए टिके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, और यही सारे हुनर हम लोग अपने मेन
किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, जिसका की दाम है 12,000 रुपए। और वही चीज का अगर आपको डेमो क्लास देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई आपका ट्रेनिंग क्लास 12,000 रुपए का है, कितना अच्छा है कितना बुरा है हमें कैसे पता, तो इसका एक डेमो क्लास हम लोगों ने वहीं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाला हुआ है, सिर्फ 500 रुपए में मार्केटिंग का डेमो क्लास हम लोगों ने दिया हुआ है मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल के। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली 12,000 रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसमें 500 रुपए का डेमो क्लास देके एक टेस्ट ट्रायल करने के तरीके से भी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो। हमारे दिए हुए इस फोन नंबर में जो आपको नीचे दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है, उसमें आप डायरेक्टली आप मोबाइल पेमेंट भी कर सकते हो 500 रुपए का डेमो क्लास के लिए, या फिर डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है तो उसका ऑप्शन तो है ही आपके पास, या फिर आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल करके इस बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली फार्मिंग के सेक्टर में जुड़ के कुछ अच्छा काम तो करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनको प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का एक गाइडेंस नहीं है, प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस मॉडल को किस तरीके से चलाना है ताकि आने वाले दिनों में वो कोई भी अपने खुशी का फार्मिंग स्टाइल चुने बट उसके साथ जुड़ के उनका भी फायदा हो जाए। इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।